देहरादून में बीजेपी ने छेड़ा स्टिंग ऑपरेशन राग। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया बयान, कहा मामले का जल्द खुलासा करने की जरूरत। पौड़ी में नशे में झूमते दिखे डॉक्टर्स, हुड़दंग मचाने पर हुई जमकर पिटाई, गेस्ट हाउस के मालिक ने की पिटाई। यूक्रेन में फंसे दिव्यांशु चौहान, परिजनों ने लगाई भारत सरकार से गुहार, छात्रों की सकुशल वापसी की मांग। चमोली में डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा, चरमराने लगी स्वास्थ्य सेवाएं, काम पर नहीं लौटे डॉक्टर राजीव गर्ग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत के स्टिंग मामले में जल्दी खुलासा करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड को लुटाने वाले और लूटने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच बेनकाब हो सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज और पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि रावत के असली चरित्र का खुलासा करने की बेहद जरूरत है। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन पूरे प्रदेश ने देखा है और इस समय चुनाव में भी सोशल मीडिया में काफी प्रचारित रहा है, लोगों ने उसको देखा भी है, लेकिन ये मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। आखिर उस पर जो अंतिम निर्णय आना है कि अगर ऐसा हुआ है और स्टिंग ऑपरेशन में चीज़ें आई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुआ है तो जिन्होंने गलत चीज़ें दिखाई हैं, गलत वीडियो फ्लैश किया, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंतिम निर्णय तक जाना चाहिए और इस पर जल्दी समाधान होना चाहिए। जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके स्टिंग ऑपरेशन का क्या पता चलेगा। भ्रष्टाचारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार, जिसने इतने घोटाले कर दिए, विनोद चमोली जी और सारे माननीय विधायक जो भाजपा के, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे मुकदमा दायर हो, सीबीआई की उन पे इंक्वायरी हो। हमने तो बार बार कहा और कई मामलों में तो हरीश रावत जी को क्लीन चिट मिल गई है और माननीय हाईकोर्ट से, अगर हमने तो पहले भी कहा था और हरीश रावत जी ने भी कहा था कि आप चौराहे पे बड़े बड़े स्टिंग दिखाइए तो आप अपने भी स्टिंग दिखाइए। तो अब ऐसा है, विनोद चमोली जी का चुनाव जो है मुझे लगा है बिखरा हुआ है, मानसिक संतुलन थोड़ा मुझे लग रहा है कि खराब हो ही जाता है। तो ऐसे में कई विधायक हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा से भीतरी घात हमें हुआ है, तो सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी, अनुशासित पार्टी और पता नहीं अपनी पीठ थपथपाने वाली पार्टी आज इस मुकाम पे आ गई है कि हरीश रावत नाम से वो बुखलाई हुई है, कहीं जो हमारे घोटाले थे वो दोबारा ना खुल जाए। जिला अस्पताल पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर्स की शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने पर जमकर पिटाई हो गई। मामला इस कदर बढ़ा कि इस लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला अब थाना कोतवाली जा पहुंचा है। दरअसल पीजी गेस्ट हाउस में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर जमकर हुड़दंग मचा रही थी, जिन्हें समझाया भी गया लेकिन डॉक्टर्स की टीम नहीं मानी। ऐसे में गेस्ट हाउस के मालिक ने जमकर डॉक्टर्स की टीम की लाठी डंडों से धुनाई कर दी। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का, यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया और उनके पास रोटे थी जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा, तो रोटे थी ये वो, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें इन्हें प्यार से बात की, ये पहले हस्बैंड वाइफ आए गुंजे ने की और अंजलि ने की, इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी, एक के हाथ में लट था, वहाँ मैंने कहा कि नहीं नहीं अगर कोई बात है तो आप पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस से बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हमने कहा सब अपने रूम में जाने लग गए। उसके बाद ये और इसके कोई लोकल इन्होंने गुंडे गांडे लड़के बुलाए और सीधा आके सिर पे ये रोडों से मारने लग गए, मेरे सिर पे पौड़ी पे रोडे बजी, सब कुछ हुआ और मेरे सिर पे ब्लीड हो गया और
और उसके बाद मेरे को चक्कर से आने लग गए, शुरू हो गए। लेकिन ये है उनके पीजी का, जहाँ जिला अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं, तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सेन सैनी है, जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है, तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में थाना हमारे बॉडी पर मुकदमा लिखा गया है, जिसकी जांच जारी है। ये देर रात रोज का काम है इनका, शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं। और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ो, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाड़ी ग्लॉच करी है सर इन्होंने लगभग लगभग आधे घंटे हमारे साथ। उसके बाद जब ये हमें धमकी देते रहे मारने की, जान से मारने की, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि हम दो अकेले थे, ये काफ़ी लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर सुरती जो मेन थे, और बाकी इनके साथ और भी लोग थे। और जब ये मेरे सामने मेरी वाइफ को पकड़ के, गला पकड़ के नीचे लाए हैं, गाली ग्लॉच कर रही है। चमोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरार थराली में तैनात डॉक्टर पुनीत गौतम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ चौपता में तैनात डॉक्टर शुभम मिश्रा ने जहां इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तैनात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमंग राव ने भी इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राजीव गर्ग भी काम पर नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराने लगी हैं। चमोली का ये पूरा मामला है, चमोली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के हालात लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चमोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरार थराली में तैनात डॉक्टर पुनीत गौतम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ चौपता में तैनात डॉक्टर शुभम मिश्रा ने जहां इस्तीफा दे दिया, तो वहीं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तैनात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम और जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमंग राव ने भी इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राजीव गर्ग भी काम पर नहीं लौट रहे हैं। तो ऐसे में समस्या क्या है, आखिर क्यों डॉक्टर्स काम पर नहीं लौट रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं डॉक्टर उमंग और जोशीमठ से डॉक्टर गर्ग जो है वो उन्होंने लिखित रूप से त्याग पत्र नहीं दिया है, वो कुछ समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। जैसे कर्णप्रयाग के जो डॉक्टर उमंग हैं वो पिछले 2 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं, और डॉक्टर गर्ग जो जोशीमठ से हैं वो लगभग पिछले 4 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। तो जब उनको विकासखंड द्वारा जो है कॉन्टेक्ट किया गया है वापस आने के लिए, तो वो अपनी इच्छा मतलब जाहिर नहीं कर रहे हैं, मतलब वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से त्यागपत्र नहीं दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे हम इसको चमोली ज़िले के लिए, कि जिस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है पटरी से बिल्कुल उतर चुकी हैं। कई डॉक्टरों ने अभी इस्तीफा दे दिया है और कई अभी जो है अपनी इच्छा जता चुके हैं, यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। सरकारों को सीधे इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए कि पहाड़ों की तरफ डॉक्टर ज़रा बढ़े। जिस तरीके से अब फिर से हमारे हॉस्पिटल अब रेफर सेंटर बन चुके हैं, ये बहुत ही आने वाले समय एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। डॉक्टरों का इस्तीफा देना हमारे इस सीमांत जिला चमोली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। एक तो यहाँ पे डॉक्टरों की वैसे भी पहले से कमी है, और दूसरे में डॉक्टरों का इस्तीफा देना ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र के लिए है। और हमारा तो सरकार से भी ये पूछना है कि आपके द्वारा जो बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने डॉक्टर भेज दिए, हमने पूरा स्टाफ भेज दिया है, लेकिन जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अभी ये हाल है कि यहाँ पर डॉक्टरों का पलायन हो रहा है, डॉक्टर लोग यहाँ पर से इस्तीफा दे के जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे कारण होगी जिस कारण से डॉक्टर इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं, हमारा निवेदन रहेगा शासन से, प्रशासन के, कि डॉक्टरों की जो मांगें हैं, जो भी उनकी आधारभूत मांगें होंगी, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको वो दूर करें, ताकि हमारे दूर से गांव से आने वाले जो इतने दूर से लोग यहां पे आते हैं आस के साथ, कि वो यहां पे आएं, उनको पूरा इलाज मिले, वो निराश होकर न जाएं। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुष्कर, लगातार चमोली से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर्स की या तो तैनाती नहीं है या डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या वजह बताई जा रही है?
बिल्कुल देखिए काजोल, हमको समझाना होगा या समझना होगा कि पहाड़ों की जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से पहले से ही लचर थी, क्योंकि चाहे गोपेश्वर मुख्यालय की अगर बात करूं तो ये भी लगातार यहाँ पे रेफर सेंटर बना हुआ है। कर्णप्रयाग की अगर मैं बात करूं, कर्णप्रयाग को लेकर जिस तरह से यहाँ पे अर्थोलॉजी जो डॉक्टर थे उनका भी यहाँ पे न आना तो बहुत बड़ी दुखद हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कर्णप्रयाग एक ऐसा स्पॉट यहाँ पे है, चाहे वो चमोली जनपद का हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग जनपद का हो, चाहे आपका पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा के लोग भी यहाँ पे कर्णप्रयाग में जो लोग इलाज के लिए आते हैं। हालांकि हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, जो सीएमओ कुड़ियाल है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका केवल एक ही कहना था कि जिन डॉक्टरों ने जो है अपना इस्तीफा यहाँ पे दिया है वो दो, एक थराली ब्लॉक के हैं, वो क्रूड में यहाँ पे नौकरी करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पे अपने निजी कारण यानी अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर जो है एक लेटर जो है सीएमओ के थ्रू यहाँ पे पहुँचाया गया है कि हम जो है पहाड़ों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, कि हमारी जो है पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद हम यहाँ के सीएमओ साहब हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। सीएमओ साहब जरा बताइए कि आखिर डॉक्टर्स यहाँ पर काम पर क्यों नहीं लौट रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कुड़ियाल, सीएमओ चमोली। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टरों की क्या प्रतिक्रिया, क्यों जा रहे हैं छोड़ के? हेलो, क्या चाहिए? हाँ, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि आखिर क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है मैं बताता हूँ, बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो जो है विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। एक डॉक्टर जो है MBBS करता है 5 साल, फिर 1 साल इंटर्नशिप करता है, फिर 3 साल PG करता है, फिर जाके वो यहाँ पे नौकरी में आता है। लेकिन उसको मूलभूत समस्याओं की बहुत दिक्कत है। डॉक्टर जो है सड़क पे खड़ा हुआ है, गाड़ी के इंतजार में है, हाथ देखे कि तब गाड़ी रुकेगी तब मैं जाऊंगा। उसको ना गाड़ी की फैसिलिटी है, ना उसके पास अर्दली है। एक अर्दली होना चाहिए, क्लास 2 ऑफिसर है डॉक्टर, कोई उसका कपड़े धोने वाला हो, कोई खाना बनाने वाला हो, वो खुद ही अपना खाना बनाएगा, खुद ही बर्तन धोएगा, खुद ही गैस की लाइन में लगेगा, खुद ही वो जो है अपने जो है बिजली के बिल जमा कराने जाएगा। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं हम डॉक्टरों को? मैं खुद ही कह रहा हूँ कि डॉक्टर टिकेंगे कैसे। फिर उनके पास आवास की बड़ी समस्या है। आवास जो है हमारे पास उसमें जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। उसमें आवास का जो है होना बहुत जरूरी है। एक सेमी फर्निश्ड हाउस होना चाहिए। उसमें जो है डॉक्टर का जो है उसमें गैस का कनेक्शन नहीं लेना पड़े, गैस उसमें लगा रहे, हैवी सामान न लाना पड़े, बेड उसमें लगा पड़े, सुबह उसको मिल जाए और एक फ्रिज मिल जाए। और क्या जानना चाहते हैं आप बताइए। तो ये आप समस्या बता रही, यानी कि व्यवस्था ही ठीक नहीं है, और व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ की जनता मर जाए, लेकिन डॉक्टर तो वहाँ तैनात नहीं रहेंगे। नहीं मरेंगे नहीं, मैं ऐसी बात मत करो, आप मरने वाली बात मत करो। हम तो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, डॉक्टरों के जीवन ही सुरक्षित तो सावित्री बड़ी संख्या वहाँ की है और डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो आम जनता को तो यही हाल होगा ना। अरे मैडम, डॉक्टर है कहाँ हमारे पास? स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे प्रदेश में नहीं है। आगे तक ये बात आपने आगे तक पहुंचाई है? हम तो डिमांड करते रहते हैं कि हमारे जो हम तो ये कहते हैं कि एक मीटिंग रखो, उसमें हम एक प्रस्ताव देते हैं। कोई लिखित प्रस्ताव आपने दिया हो आगे? हमने कई बार दे चुका है, मीटिंग भी हो चुकी है, हमारे संघ की भी मीटिंग हो चुकी है, जो PMS का संघ है, कि भाई डॉक्टरों को क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक ट्रांजिट हॉस्टल होना चाहिए जहाँ उनके बच्चे पढ़े, जहाँ वो रहे। अब आपने स्वास्थ्य मंत्री को लिखित में दिया कि हमारे इलाके में ये समस्याएं हैं, डॉक्टर्स नहीं ठहर पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं रह पा रहे ठीक तरीके से, इस वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। कई कई बार मीटिंग हो चुकी है, मुझे तो 33 साल हो गए इस महकमे में, बार बार मीटिंग होती है, हमारा ये प्रस्ताव जाता है कि भाई हमारे इस तरह से डॉक्टर कैसे टिके पहाड़ों पे। लेकिन दूसरा उनकी सैलरी बहुत कम है, सैलरी के हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट में सैलरी अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट में सैलरी कम है, 3 महीने का फर्क है, तो इसलिए पहाड़ों में तो डॉक्टरों को जो है स्पेशली डॉक्टरों को लाना बहुत मुश्किल। समझ रहे हैं स्थिति ऐसी नहीं है, बहुत ही कठिनाइयों से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे कोई अप्रिय घटना हो जाती है इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि यहाँ बहुत ही ये जो इलाके हैं ऐसे हैं, दुर्गम हैं। जी, इसके लिए हमारे पास MBBS डॉक्टर तो भरपूर है। MBBS डॉक्टर को इतना है कि लाइफ सेविंग एटीट्यूड उसको आता है, मरीज के प्रति उसको
बेसिक सब पता रहता है, लेकिन स्पेशली डॉक्टर जैसे कि किसी का वो ऑपरेशन होना है, किसी का जो है और कॉम्प्लिकेशन जैसे केसेस है, वो यहाँ पे ठीक ना होके तो रेफर करने पड़ते हैं, गरीब आदमी है, ठीक है, जाना पड़ता है, उनका खर्चा। ठीक है सीएमओ साहब, देखिए आप लगातार जो भी जानकारी दे रहे हैं उससे मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि आपने इन डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की और आगे अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? इसके तो आप ही जिम्मेदार होंगे फिर। हम तो डॉक्टरों को कोशिश ये करते हैं, आप अपने कोई समस्या हो तो बताइए, आप बिल ना निकलवाओ बताइए, डीए ना निकलवाओ बताइए, जिससे कोई परेशान कर रहा है तो फिर दूसरी परेशानी प्रशासनिक अधिकारी होती है, प्रशासनिक अधिकारी फिर और जो है डॉक्टरों की चेकिंग करने के लिए जो है नायब चले जाता है, डीएम चले जाता है, उससे उनके स्वाभिमान को खेल पहुँचती है, ये भी कारण है, हम उसको भी दूर करते हैं, हम दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रहते हैं प्रशासन उनके बीच में, क्योंकि इनकी ईगो क्रैश ना हो जाए, भाई इनको जो है चेकिंग में तरीक जाएंगे, इनका अभी सक्षम अधिकारी भेजा जाए चेकिंग के लिए, इस तरह से कई इशू है, आपस में ईगो क्रैश भी होती है कई बार, लेकिन हम हमारी जान में मेरी जहाँ तक पर्सनली कोशिश है जो सीएम हो ठीक है, जो भी आपने कॉपी जो भी आपने कंप्लेन की है या जो भी अधिकारियों को आपने जानकारी दी है लिखकर पत्र दिया है उसकी कॉपी हमें भिजवा दीजिएगा, हम भी एक अभियान चलाएंगे ताकि यहाँ चमोली के अलग अलग इलाकों की जो जनता है उनको बेहतर इलाज मिल सके। संघ के कागज भी दे दूंगा, संघ क्या चाह रहा है, कैसे कैसे इसमें विचार कर रहा है, मैं सारे दस्तावेज आपको दे दूंगा। सीएमओ साहब तो इस मंच से आप अपील करेंगे क्योंकि सरकार अभी बनने जा रही है, बनाने की स्थिति बन रही है जी, अब नई सरकार बनेगी उससे हमारी बहुत उम्मीदें हैं, संघ की बहुत उम्मीदें हैं, मैं संघ का पूर्व अधिकारी भी रह चुका हूँ, मैं उपाध्यक्ष था पूरे प्रांत का और उस समय संघ मजबूत था, अच्छा हमारी जो है बातें मान लिया जाती थी, लेकिन अब संघ भी किसान कुछ बिखरा हुआ है, लोग जो है इधर उधर अस्त है, तो संघ भी अभी पूरे उसमें नहीं आया है, लेकिन नई सरकार जो आती है तो हमारे सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी पहाड़ों पे जो है डॉक्टरों को कैसे रोका जाए, डॉक्टरों को। चलिए सीएमओ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब मैं मेरे सहयोगी का रुख करूंगी, लगातार पुष्कर मेरे साथ बने हुए हैं, पुष्कर देखिए सीएमओ साहब भी बेबस हैं, लगातार मजबूरियां गिनवा रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है पुष्कर? बिल्कुल काजोल, क्योंकि जो बड़ा अधिकारी होता है उसके तरफ से तो लेटर वगैरह जाते हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन जिन लोगों को काम करना होता है चाहे वो डॉक्टर ही हो चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अपने छोटे कर्मचारियों को यदि पहाड़ों में नहीं रुका पाता है या पहाड़ों से जब पलायन, जब डॉक्टर ही पलायन कर जाएंगे तो आम जनता को तो पलायन करना पड़ेगा ही स्वास्थ्य को लेकर, तो जैसे जनपद चमोली के हाल है वैसे रुद्रप्रयाग के हाल है, हाल भी देखने को मिला, पौड़ी का हाल आपको पता ही है कि किस तरह से है, तो तमाम सारे जो वादे हैं या तमाम सारे जो अधिकारी वर्ग जो है अपना पल्ला, हम इसको कह सकते हैं अपना पल्ला जो है अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह से वो करता है, रोक पाता है नहीं रोक पाता, वो चमोली के डॉक्टर वही नहीं, सबसे बड़ी बात काजल यहाँ पे जनपद चमोली की है कि 146 से ऊपर यहाँ पे डॉक्टर के पद हैं और इनमें से केवल अभी तक 36 पद जो है यहाँ पे अभी तक सृजित हुए हैं, तो आप लगा सकते हैं कि पहाड़ों की क्या विडंबना होगी, क्या दशा होगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, क्योंकि यहाँ गोपेश्वर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर आदमी जो है दूर से 20-20, 35-35 किलोमीटर पैदल चलकर उसके बाद गाड़ियों में जो है गोपेश्वर मुख्यालय पहुँचता है, यदि उनको हड्डी का डॉक्टर यहाँ पे ना मिले या बाल विशेषज्ञ रोग यहाँ इनको यहाँ पे ना मिले तो बड़ी विडंबना है, हम इसको कह सकते हैं कि यदि वहाँ से आदमी पैदल चल के मुख्यालय पहुँचता है। और वो तो सीएमओ साहब बता ही रहे हैं कि कोई स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ डॉक्टर है यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, तो समस्या कितनी ज्यादा है वो हम समझ सकते हैं। पुष्कर अभी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन लगातार इस पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट अब से आप लेते रहेंगे, तो हालात आपने जाने किस तरह के हालात चमोली के अलग अलग जिलों के अस्पतालों के हैं जहां पर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट नहीं है और इलाज के लिए कई किलोमीटर तक दूर दूसरे इलाकों में या दूसरे जिलों में आम जनता को जाना पड़ता है। वहीं थराली में अधिक जनसंख्या वाला विकास खंड नारायण बगड़ के ग्राम पंचायत सिलकोटी में अधिकतर किसान जंगली जानवरों से बेहद परेशान हैं। वहीं इसी को लेकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने सूचना पर ग्राम पंचायत सिलकोटी के सातों गांव का दौरा किया। वहीं लोगों ने जंगली जानवरों को लेकर जो हाल बयां किया, जरा सुनिए उसे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र धनेत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और आज हम जनपद चमोली के अति दूरस्थ क्षेत्र में हैं विकास खंड नारायणगढ़ के सिलकोटी ग्राम पंचायत में, और हम आज विकासखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, और जिस ग्राम पंचायत में जिन काश्तकारों के बीच हम हैं
उन काश्तकारों के गांव में हमने विभिन्न तोकों में जो है 10 से 15 किलोमीटर का जो पैदल जो चढ़ाई और उतराई का जो क्षेत्र नापा है पैदल, तो हम ही जानते हैं हम किस ढंग से इस गांव पहुंचे। बहरहाल हम इस गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस गांव की समस्या क्या है जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं, तो बात ये करने वाले हैं कि यहाँ के जो काश्तकार हैं, इन काश्तकारों की सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इन काश्तकारों का कहना है कि पिछले 2-3 सालों से जो जंगली जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, चाहे वो सूअर हैं, बंदर हैं, कुरड़ काकड़ बोलते हैं जिसको यहाँ पे, और जिसको हिंदी में हिरण कहते हैं, ये जो जंगली जानवर हैं, क्योंकि जंगल से सटा हुआ जो इनका ग्राम पंचायत है, गांव है, तो लगातार उनकी जो खड़ी फसलें हैं उनका ये बोने के बाद ही ये जंगली जानवर जो नुकसान कर देते हैं। तो इनका जो कहना है कि आज हमारे गांव में, क्योंकि सारी बहनें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, हमारे पीछे नजर आएंगी, इन बहनों का कहना है कि हमारे गांव में जो अधिकांश जो पुरुष हैं, चाहे उनके पति हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो अधिकांश रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं, और गांव में ये महिलाएं हैं, तो इन महिलाओं को अपने काश्तकारी के साथ साथ अपनी जो पालतू मवेशी होते हैं, मवेशियों के लिए भी व्यवस्थाएं, चारे पत्ते की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, अपने बच्चों के लिए जो शिक्षा दीक्षा और रहन सहन और खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसी के साथ साथ तमाम तरह की घरेलू जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको करनी पड़ती हैं। तो इससे 2-4 ये महिलाएं हैं ग्रसित हैं, तो जंगली जानवरों को भी ये भगाने में असमर्थ हैं, इसलिए जो ये खेतों में जो काम करते हैं, जो खेतों में फसल बोते हैं, जो खेतों में जो मेहनत से जो बैलों में हल और जुताई करते हैं पैसे लगा करके, तो वो पैसे भी इनका बर्बाद जाता है। तो ये इन जो इन लोगों की सूचनाओं पर हम ग्राउंड जीरो पे हैं, तो ग्राउंड जीरो पे आज हम इन लोगों से बात करने वाले हैं कि आखिर में क्या कारण है कि सरकारों की तमाम तरह की काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए तमाम तरह की उपयोगी जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, दावे हैं, आज आपके बीच धरातल पर ही हमने देखा कि लगातार जो इनकी खेती है, खेतों में देखा तो आज जो गेहूं की फसलें अन्य जगह पर लहलहा रही है, वहाँ उनकी बालें खिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, जो खेत लाल हो रखे हैं, जगह जगह सूअरों ने खेत खोदे हुए हैं, और आज भी जो गेहूं के पौधे कहीं पे 5 इंच या कहीं पे 3 इंच के पौधे जमे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पहाड़ एक तो असिंचित है और सिंचित भी नहीं है, बारिश पे निर्भर खेती है और जंगल का इलाका है। और इन महिलाओं का कहना जो हमने बातचीत, तो अभी आप इसे रूबरू कराते हैं कि ये महिलाएं जो यहाँ पे काश्तकारी करते हैं, ये महिलाएं किन विकट परिस्थितियों में यहाँ पे जो खेती बाड़ी कर रही हैं, तो क्या कहना है। तो एक भाई हमारे साथ, आप इसे रूबरू कराते हैं, एक भाई इस गांव के एक भाई हमको मिले हैं, तो हम भाई से मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और आप इसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं, उस खेती करने में आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नरेंद्र सिंह कनेरी यहाँ पे ग्राम सभा सिलकोटी में न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, प्रेस का धन्यवाद करता हूँ। हमारी इस जो ग्राम सभा सिलकोटी में जो ये ज़मीन है, जो ये खेती होती है, ये असंचित है, ये बरसात पे निर्भर रहती है, ऊपर से हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं इस खेती के लिए, ये इसमें जंगली जानवर जैसे सूअर हो गए, उसके बाद आपका हिरन हो गया, नील गाय होगी, बंदर हो गए, लंगूर हो गए, ये सारे जो हैं जंगली जानवरों से पूरा नुकसान हो जाता है। हम लोग इस चीज़ से बहुत ही परेशान हैं कि एक तो हम सड़क मार्ग से बहुत दूर हैं, ऊपर से जो बीज बोते हैं हम लोग इस खेतों में और हल लगाने का पैसा देते 3-3 हज़ार रुपया, वो भी हमें इन खेतों से उपज नहीं मिल पाती, वो पूरा भरपाई नहीं हो पाती है। हम अपना यह है कि धरती के लिए हम जो बीज बोते हैं वो धरती तक ही सीमित रह जाती है, हम लोगों के पास कुछ नहीं पहुँचता। इस जो गेहूँ हो या चाहे हमारे यहाँ जो भी खेती होती है, जैसी जो है सरसों है और उसके बाद धान हो गया, बाजरा हो गया, हमारे यहाँ जो भी है, चाहे सावन हो चाहे वो मंगसीर हो, 24 घंटा ये जंगली जानवरों से भरा रहता है, बंदरों से भरा रहता है। एक तो ये क्या करते हैं कि बाहर प्लेन से बंदरों को पकड़ पकड़ के हमारी इस जंगली जानवर वो जंगल की एरिया में छोड़ देते हैं प्लेनी लोग, और सरकार जो भी गवर्नमेंट है, हम वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी खेतों को जो भी है चारों तरफ से घेराबंदी देने की, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार हम इस जंगली जानवरों से, थोड़ा परेशान ज़्यादा हैं, हमारी मेहनत और हमारी जो बहनें हैं या गांव के लोग हैं, इन खेती बाड़ी करते करते थक गए और बाद में हमें कुछ इसका उपयोग नहीं हो पाता, लाभ नहीं मिलता है इन खेतों से, हमें जो भी राशन लानी पड़ती है वो मार्केट से ही खरीद पर निर्भर करनी पड़ती है। थैंक यू। इस चीज़ बिल्कुल आपका कहना है कि जो खेती का जो नुकसान की भरपाई है उनको खरीद करके अपने पैसों से मार्केट से ही सारे अनाजों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो एक बहन हमारे बीच है, मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन जी कि क्या आपने जिस ढंग से अभी भाई ने कहा कि वन विभाग या सरकारों की ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज तक जो आपकी खेती बाड़ी का जो जंगली जानवरों का नुकसान हुआ,
तो यहाँ पे सीधे सीधे संबंधित विभाग, वन विभाग हैं, कृषि विभाग हैं, उनकी तरफ से तमाम तरह की योजनाएँ काश्तकारों के लिए दी जाती है, और चाहे जंगली जानवरों की से खेती बाड़ी का सुरक्षा का मामला हो, चाहे कृषि में उत्पादन का बढ़ाव का मामला हो, तो दोनों विभागों का मेन मुख्य रोल रहता है, वन विभाग का सुरक्षा का, कृषि विभाग का उत्पादन और विपणन के तमाम तरह के। तो आपने आज तक अपनी खेती बाड़ी के लिए क्या कुछ कहीं शिकायत की, कहीं सूचना दी, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही ज़्यादा महिला हैं, तो आप ही इस चीज़ का दंश भोग रहे होंगे, क्या किस ढंग से आप खेती कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शकुंतला देवी, ग्राम सिलकोटी से। मैं सबसे पहले अपने सरपंच जी और आप पत्रकारों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप उतनी दूर से यहाँ पैदल चल के हमारे ग्राम सिलकोटी तक पहुँचे, और जो ये जीव जंतु ये हमारे खेतों का बहुत नुकसान करते हुए, कैसे हम लोग हल लगाते हुए हल पैसे दे के हल लगाते हैं, और फिर गोबर होबर डाल के खेतों को, ऐसे गोबर डालने में भी हम सहायता लेते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।